हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में। इस सेशन में हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, ऑडिटिंग का मीनिंग समझेंगे हम, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटिंग के, ऑडिटर कौन होते हैं, कितनी तरह की ऑडिट होती है, कंपैरिजन हम करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में, और कुछ लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूजर्स हु नीड द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, जो एंट्रीज होती हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, देन उनको समराइज किया जाता है। समराइज से मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, देन इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर फाइनली जो इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स तक, जो कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे फर्दर अपने जो है डिसीजंस लेते हैं। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को यहाँ हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे वाउचर्स होंगे, रिसीट्स हो गई, बैंक पेइंग स्लिप्स हो गई, बिल्स हो गए। सो दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले एंट्री की जाती है जर्नल में। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कहा जाता है। तो जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होती है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है किसी बिजनेस की, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जर्नल में उनकी एंट्री की जाती है। उसके बाद ये एंट्री जो होती है, इनको पोस्ट किया जाता है लेजर में। तो लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो एंट्रीज होती है, जो सिमिलर नेचर की जो एंट्रीज होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, वो एक हेड के अंदर आ जाती है। जैसे कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैश अकाउंट में आ जाएंगी। इसी तरह से सेल्स से रिलेटेड जो एंट्रीज होगी उसका सेल्स अकाउंट बन जाएंगे। परचेजेस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी परचेज अकाउंट के अंडर आ जाएंगी। इसी तरह से एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इस तरह से हर जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है वो हेड के अंदर, एक कॉमन हेड के अंदर आ जाते हैं, जिसको कि हम लेजर कहते हैं। सो जर्नल के बाद लेजर में जो एंट्रीज है उनको पोस्ट कर दिया जाता है। लेजर को बुक्स ऑफ सेकेंड एंट्री भी कहा जाता है। सो लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं क्रेडिट बैलेंस में। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस से फिर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हमें पता चलती है, और जो बैलेंस शीट है उसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की पता चलती है। सो दिस इज द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स या वही इवेंट्स रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, जिनको कि हम मनी की फॉर्म में, मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो सपोज जैसे कोई स्ट्राइक हो गई कंपनी में, या किसी एम्प्लॉई ने जॉब छोड़ दी है, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती है, इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग में वही एंट्रीज या वही ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग लीड्स टू ऑडिटिंग। तो एक बार अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। सो व्हेन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड्स, ऑडिटिंग बिगिंस फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग शुरू होती है टू डिटरमिन द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Conversely, auditing is an activity of verification and evaluation of financial statement. Accounting में जहाँ पर हम books of account prepare करते हैं, उनको present करते हैं in the form of financial statement, इसके विपरीत auditing में इन books of accounts को, financial statements को examine किया जाता है, verify किया जाता है कि वो true and fair picture business की बता रहे हैं या नहीं। अब हम detail में पढ़ते हैं
ऑडिटिंग का मीनिंग. सो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म. द पर्सन कंडक्टिंग दिस प्रोसेस शुड परफॉर्म हिज वर्क विद नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड शुड टेक पर्टिकुलर केयर टू इंश्योर दैट नथिंग कंटेंट इन द स्टेटमेंट विल ऑर्डिनरीली मिसलीड एनीबडी. सो जो पर्सन ऑडिटिंग परफॉर्म करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और ही शुड टेक पर्टिकुलर केयर टू इंश्योर कि कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना जाए यूज़र्स के पास जो उनको मिसलीड करे. देन थिंग्स टू बी कंसीडर्ड. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करनी होती है जब वो ऑडिटिंग परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट इज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स. सो जब भी वो ऑडिटिंग करे तो वो इस बात का ध्यान रखे कि जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गई है वो प्रॉपरली जो है सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि उसके एविडेंस उन एंट्रीज के एविडेंस होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स वाउचर्स पे इन स्लिप्स बिल्स एक्सेट्रा. तो इन्हीं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इन्हीं एविडेंसेस से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है. तो ऑडिटर इस बात का ध्यान रखता है, ऑडिटर के लिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से ही जो है एंट्रीज वो की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. देन सेकेंड इज नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट्स. सो इसमें दो बातें हैं. फर्स्ट कि कोई भी एंट्री जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मिस नहीं होनी चाहिए, ओमिट नहीं होनी चाहिए. एंड सेकेंड चीज़ कि ऐसी कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होनी चाहिए जो एक्चुअल में हुई ना हो. तो ये बातें भी ऑडिटर जो है वो ध्यान ऑडिटर को ध्यान रखनी होती है जब वो ऑडिटिंग करता है. देन थर्ड इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर. जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू वो क्लियर होनी चाहिए. देन द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटेंट ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, जो भी स्टेटमेंट्स बनाई है, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाई हो. द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स taken as an integrated whole present a true and fair picture of the operational result and of the assets and liability. जो accounts statement of accounts जो बने हैं वो business की true and fair picture जो है वो present कर रहे हैं या नहीं कर रहे. so ये चीज़ें जो है auditor जब auditing करता है इन चीज़ों को auditor ध्यान में रखता है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सो द फर्स्ट इज कन्फर्मेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स. तो ऑडिटर जो है वो कन्फर्म ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है कि इसको कन्फर्म करे कि जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनी है वो एक्यूरेटली बनी है. देन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अगर कोई एरर या फ्रॉड हुआ है उनको डिटेक्ट करना. देन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड्स हुए उनको उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिवेंट करना. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. नेक्स्ट है ऑडिटर. ऑडिटर कौन होता है? सो द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट इज नोन एज द ऑडिटर. सो जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है उसको ऑडिटर कहते हैं. इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. सो इंडिया में एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, CA होते हैं, जिन्होंने CA किया होता है, वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं. दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. ही मेक्स अ रिपोर्ट आफ्टर द ड्यू एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर लेता है तो उसके बाद वो रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि एज पर हिज ओपिनियन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिट. सो ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेट
obligatory for all types of business organization or institution. On this basis, audit may be of two broad categories. तो audit जो है वो सब organizations के लिए obligatory नहीं है. इसके basis पे हम audit को दो category में divide करते हैं, audit required under law and voluntary audit. So audit required under law को पहले देखते हैं हम. So the organizations which require audit under the law are the, so ये कुछ organizations हैं जिनको under law audit करवाना, जिनके लिए under law audit कराना जो है वो compulsory है. So the companies governed by the Companies Act 2013, banking companies governed by the Banking Regulation Act 1949, electricity supply companies governed by Electricity Supply Act 1948, cooperative societies registered under the Cooperative Societies Act 1912, public and charitable trust registered under various religious and endowment acts, corporations set up under an act of parliament or state legislature such as Life Insurance Corporation of India. So ye jo organization hai, ye jo companies hai, inke liye under law, by law audit karana compulsory hai. देन है वॉलंट्री ऑडिट. सो वॉलंट्री ऑडिट में आ जाते हैं प्रोप्राइटरी एंट्रीज एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स. सो ये इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है. फिर भी जैसे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, फिर भी ये ऑडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट प्रेफरेबली ऑडिट करवा लेते हैं. बिकॉज क्योंकि डोनेशन के लिए या लोन, जब गवर्नमेंट इनको डोनेशन देती है या लोन पर्पज़ के लिए, इनसे ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवा लेती है. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कंपेरिजन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. सो फर्स्ट इज नेचर. Accounting is primarily constructive and concerned with current recording of business facts. So accounting जो है that is constructive. इसमें books of accounts prepare किए जाते हैं, entries को record किया जाता है day to day basis पे. Auditing is analytical in nature and essentially retrospective. So auditing जो है वो analytical nature में, analytical is analytical in nature और जो है रेट्रोस्पेक्टिव है. मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पास्ट जो रिकॉर्ड्स हो चुके हैं उनको एनालाइज करता है, उनको एग्जामिन करता है, उनको वेरीफाई करता है. सेकंड है स्कोप. अकाउंटिंग इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन. तो अकाउंटिंग में हम जो अकाउंटेंट होता है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. फाइनल अकाउंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट. तो अकाउंटेंट जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है और उनकी इंटरप्रिटेशन करता है. बट ऑडिटिंग रेफर्स टू द एग्जामिनेशन एंड चेकिंग ऑफ दीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो इसके बट ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग जो है उसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो फाइनल अकाउंट्स है, उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है. देन है कमेंसमेंट. अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. सो अकाउंटिंग प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से बुक कीपिंग एंड हो जाती है. ऑडिटिंग में द वर्क ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट्स व्हेन द अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीटेड. सो बट ऑडिटिंग स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पर अकाउंटिंग जो है, जो प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. एक बार अकाउंट्स बन गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गई, तो उसके बाद ऑडिटिंग जो का काम है वो शुरू हो जाता है. देन ऑब्जेक्टिव. The main objective of accountancy is to ascertain the trading results of business concerned during the financial year. So accounting का जो main objective है वो ये है कि business का जो results है, चाहे वो profit and loss है या business की जो financial position है, उसको ascertain करना, उसको find out करना. But auditing का objective है to certify the correctness and justification of final financial statements prepared by the accountant. Auditing का objective है कि जो books of accounts बने हैं उनको verify करना, उनको examine करना. Next है qualification. An accountant needs not be chartered accountant. तो accountant के लिए chartered accountant होना
कंपलसरी नहीं है, कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट या जिसके पास डिप्लोमा है अकाउंटिंग का, वो अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. बट इन केस ऑफ ऑडिटिंग एन ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट ऑडिटिंग में जो सीए होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो ही ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकता है. देन सिक्स वन इज नॉलेज. एन अकाउंटेंट नीड्स नॉट बी एन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग. तो अकाउंटेंट के लिए ऑडिटिंग में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है. एन ऑडिटर मस्ट हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, अदरवाइज ही कैनॉट परफॉर्म हिज जॉब सेटिस्फैक्टरीली. बट ऑडिटिंग में जो ऑडिटर है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की. देन ड्यूरेशन. अकाउंटिंग वर्क इज अंडरटेकन थ्रू आउट द ईयर. अकाउंटिंग जो है पूरा साल चलती रहती है, पूरा साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एंट्रीज है वो रिकॉर्ड की जाती है. बट ऑडिटिंग इज जनरली डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑडिटिंग जब बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाती है फाइनेंशियल ईयर लास्ट में, तो उसके बाद ऑडिटिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है. देन स्टेटस. एन अकाउंटेंट इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस कंसर्न. और एन ऑडिटर इज नॉट ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न, ही मे बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो अकाउंटेंट जो होता है वो एम्प्लॉय होता है बिजनेस कंसर्न का, किसी भी बिजनेस का. बट ऑडिटर जो होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, उनको स्पेशली ऑडिटिंग के लिए कंपनीज जो है वो हायर करती है. देन नाइन्थ इज रिपोर्ट. एन अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी or to the proprietor of the concern when the accounting work is over. So accountant ke liye koi bhi report banana jo hai wo required nahi hai, whereas an auditor is required to submit the reports to the proprietor after the completing his audit work. But auditing mein auditor ke liye required hai ki jab wo auditing kar le to apni report wo banaye aur usko jo management hai ya proprietor hai usko submit karaye. So these are the differences between accounting and auditing. Next, कुछ questions हैं आप लोगों के लिए, practice questions हैं. इसके अलावा MCQ based questions भी इसमें दिए गए हैं. इस तरह के question आपके जो 30 marks के आपके जो assignments होते हैं उसमें इस तरह के MCQ based questions जो हैं वो आएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये इन questions को solve करें, ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करें, और नीचे जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना स्टडी सेंटर का कोड देके इनके आंसर्स जो है वो पोस्ट करें. सो लर्नर, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.